नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले पीएम का विमान अमेरिका में लैंड किया। वहां पीएम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय लोग मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं। 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम का 3 दिनों का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम क्वाड के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद हैं, जो पीएम का स्वागत करना चाहते हैं। आज बाइडेन से भी मिलेंगे पीएम मोदी और इस मुलाकात को कई मायने देखे जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, अमेरिका फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पीएम का विमान लैंड किया और स्वागत की भव्य तैयारियां आप देखिए। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। उनकी खुशी आप देखिए तस्वीरों में, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए भारतवंशी आतुर है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक बार फिर जुड़ गए हैं, पथिकृत पैने। पथिकृत, कैसे देख पा रहे हैं आप इस दौरे को? चूंकि हर यात्रा का एक मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है प्रधानमंत्री की, इस यात्रा का मकसद उद्देश्य क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक दौरा है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं कि इस विजिट से बहुत बड़े बड़े चीज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऐसे बहुत सारे ऐसे विजिट्स होते हैं, बातचीत होती है, तब जाके कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी रिटायर करने वाला है, नया सरकार आने वाला है। हो सकता है कि उनकी पॉलिसीज कुछ और भी बदल जाए जो नया गवर्नमेंट आएगा। तो इसीलिए क्वाड मीटिंग इम्पोर्टेंट है। बाइडेन के साथ जो मोदी जी का एक बायलैटरल मीटिंग होगा, वो एक आप ये समझ सकते हैं कि एक फेयरवेल की तरह है, कि वो इतने बुजुर्ग है, वो ये उनका मतलब अभी वो रिटायर कर जाएंगे, तो उस तरह का है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जितने मीटिंग्स होंगे, चाहे वो डिफेंस के बड़े बड़े कंपनीज के साथ या बड़े बड़े अमेरिका के जो दूसरे कंपनी है जो चाहेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और जिसमें इंडिया मोदी जी भी चाहेंगे कि इंडिया में और इन्वेस्टमेंट्स आए यूएस से, उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा विजिट है और उसमें अच्छे अच्छे चीज आ सकता है। उसके साथ ये भी है कि कुछ, जैसे मैं कह रहा था, कुछ कुछ चीजों में इंडिया का भी कुछ कंसर्न्स है, जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है, जैसे खालिस्तान वाले इशू में जो एक लगता है कि अमेरिका में कम से कम कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से साउथ एशिया का माहौल है, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का लड़ाई कोई विराम लेने की मतलब नौबत ही नहीं आ रही है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है, उसमें अमेरिका अगर अपने आप को सुपर पावर कहता है तो अमेरिका की एक जिम्मेदारी होती है कि ये सब लड़ाई खत्म करे, और लेकिन उसमें कुछ आसार दिख नहीं रहा है। और इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है, जो छोटे छोटे डेवलपिंग देश है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया क्योंकि ग्लोबल साउथ को लीड करता है, इंडिया के लिए एक जिम्मेदारी है कि इंडिया जाके इसके बारे में भी बात करे, मुहिम चलाए कि ये जितने सारे लड़ाई है ये बंद हो। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इस विजिट जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस विजिट के वजह से सारे चीज एक दिन में आ जाएगा। धीरे धीरे शायद हो सकता है कि बहुत सारे चीज आएगा जो इंडिया के हित में हो और पॉजिटिव। बिल्कुल, कई सकारात्मक बदलाव और असर यहाँ देखने को मिल सकते हैं पीएम के इस यात्रा से, इस दौरे से। पथिकृत, आएंगे एक बार फिर आपके पास में, आप लगातार बने रहिए। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से पूरी दुनिया को शांति की सौगात मिल सकती है। क्यों इतनी खास है प्रधानमंत्री की ये अमेरिका यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि 3 दिनों की यह यात्रा दुनिया में शांति का पैगाम लेकर आएगी। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर के विमिंगटन में मिलेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का मुद्दा भी शामिल है। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मिले थे। ऐसे में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की राह निकल सकती है। प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी केंद्रित होगी।
ये तस्वीरें आप देखिए फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट की, जहां पीएम मोदी का स्वागत भारतीय समुदाय के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं अमेरिका में, और ये देखिए उनका स्वागत तमाम सैन्य अफसर के साथ साथ डिप्लोमेट के तमाम सदस्य अफसर जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट है अमेरिका का, जहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है, और पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका, उनका जोरदार स्वागत। भारतवंशी भी स्वागत के लिए आतुर एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए तमाम बड़े अफसर अमेरिका के जो कि पीएम के स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जैसे ही उनका विमान वहां पर लैंड किया उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो विमान के करीब आते हैं, और उसके बाद में पीएम मोदी जैसे विमान से बाहर आए, वो तस्वीरें आप देखिए कैसे उन्हें सलामी दी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, और सल्यूट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का आगमन अमेरिका में हुआ। अमेरिका में उनका विमान लैंड होता है और उसके बाद उनका स्वागत देखिए। हालांकि पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है, खास है, और कई मुलाकातें जो है पीएम मोदी अफसरों से करने वाले हैं, तमाम नेताओं से करने वाले हैं। पथिकृत मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। पथिकृत, चूंकि कई मामलों में खास है यह दौरा, लेकिन ग्लोबल साउथ का जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, क्वाड समिट में इसका मुद्दा उठना, इसका सवाल उठना कितना जरूरी है और इसका कितना असर भारत के लिए? जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जितने लड़ाई हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है, या जो तनाव मिडिल ईस्ट में है इसराइल और ईरान के बीच, और जो भी गाजा में हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि सप्लाई चेन जो होता है, बहुत जो हमारे क्रूशियल कमोडिटी जिसको कहा जाता है, जैसे कि खाने की चीजें सामान हो, या फिर जो तेल की कीमत, ये सब सारे चीजों की कीमत बढ़ जाती है लड़ाई की वजह से। और जितने छोटे छोटे देश है उनके पास उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि बहुत महंगा चीज भी इंटरनेशनल मार्केट से खरीद ले। तो जब भी कहीं पर लड़ाई होता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हर चीज का कीमत बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और छोटे छोटे देश जैसे आप देखेंगे श्रीलंका की तरह देश, वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए हमेशा से भारतवर्ष का, खास करके मोदी जी के नेतृत्व में, ये एक मुहिम चलाई है कि ये बड़े बड़े लड़ाई खत्म हो, क्योंकि इससे सबका नुकसान होता है, शांति की जरूरत है, और ग्लोबल साउथ इसी वजह से चाहता है कि ये लड़ाई खत्म, पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे जो पश्चिमी देश है या यूनाइटेड नेशन है वो अपने तरह से सोच लेता है कि दुनिया के लिए अच्छा क्या है, लेकिन छोटे छोटे देश है उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात जब होती है, क्लाइमेट चेंज में अचानक अगर आप एक छोटे देश को बोल दोगे कि कल से आप कोयला इस्तेमाल मत करो, उनके लिए प्रॉब्लम है, ये वो नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम देखे थे कि छोटे छोटे देश जिसके पास वैक्सीन नहीं होता, उनको वैक्सीन कोई देता नहीं है, बड़े बड़े जो अमीर देश है वो दे नहीं रहा था। उसमें इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी, करीब 100 से ज्यादा देशों को ये वैक्सीन देने की एक मुहिम चलाई थी। बहुत सारे क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिसकी एक्सेस छोटे छोटे देशों को नहीं होता, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। जैसे और एक भी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो आप देखेंगे छोटे छोटे जो देश साउथ चाइना सी में है, जैसे फिलीपींस और वियतनाम, इनके ऊपर जिस तरह का प्रेशर चाइना का होता है, यूनाइटेड नेशन कोई स्टैंड नहीं लेता, कोई देश आके इनके पास खड़ा नहीं होता। तो बहुत सारे जो मुद्दे इतने छोटे छोटे देशों के है, चाहे वो एशिया के हो, वो अफ्रीका के हो, वो कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है और बड़े देश अपनी बात करते रहते हैं। इसी वजह से इंडिया जो आज एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तरह उभरे हैं, मुझे लगता है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि ये सारे चीज मोदी जी उठाएंगे, बिल्कुल इस मुद्दे में, इस मुद्दे को लेकर जरूर से पीएम मोदी इसका जिक्र करेंगे और इस पर विशेष चर्चा भी होनी ही चाहिए, चूंकि भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। प्रतिकृत, एक बार फिर आपके पास में आएंगे, लेकिन यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। इस 3 दिन की अमेरिका यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, और क्वाड की बैठक के बाद दूसरे दिन पीएम मोदी का अमेरिका यात्रा का दूसरा पड़ाव नासाऊ होगा, जहां वे भारतीय समय के मुताबिक करीब रविवार शाम 7 बजे के आसपास प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तैयारियां की गई है, एक रिपोर्ट आप देखिए। भव्य मंच तैयार है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के नसाउ वेटरन मेमोरियल कॉलिजियम की हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दूसरे चरण में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं।
इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है। इसी हॉल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय से रूबरू होंगे और उनसे संवाद करेंगे। इस स्टेज से जो आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, वो बात करेंगे भारत की, वो बात करेंगे अमेरिका की, वो बात करेंगे भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बात करेंगे। साथ ही साथ वो हमेशा से डायस्पोरा को थैंक करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से वो डायस्पोरा के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर बात करें और डायस्पोरा को धन्यवाद दे। मोदी एनएस के नाम से न्यूयॉर्क के नसाओ में होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में तकरीबन 15,000 से 20,000 लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसमें अमेरिका के 40 प्रांतों में रहने वाले भारतीय मूल के और भारतवंशी लोगों के आने की संभावना है, तो भारत से भी काफी लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने अमेरिका पहुंचे हैं। वहीं नसाओ के स्थानीय प्रशासन के मेयर और नुमाइंदे भी प्रधानमंत्री मोदी के आने के इंतजार में हैं, जहां ये शानदार आयोजन होने जा रहा है। 10 साल हमको इंतजार करना पड़ा ये मोमेंट के लिए। और एक बात और कह दूं, पहली बार नासो काउंटी में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आ रहा है, और नासो काउंटी एग्जीक्यूटिव मुझे बोल रहे थे कि ही फील स्लो लकी कि उसके टेन्योर में एक तो क्रिकेट हुआ 2 महीने पहले, एंड बिफोर ही रिटायर्स भारत के मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड ग्लोबल लीडर, उनको लिए स्वागत के लिए वो आ रहे हैं। सो ही सेड ही इज सो लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव मोदी जी है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की ये न्यूयॉर्क यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, लिहाजा इसको लेकर लोगों में उत्साह की सीमा नहीं है, क्योंकि नसाओ काउंटी में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा होगी। पिछले 1 महीने से नसाओ में प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। तमाम हिंदुस्तानी पलक बिछाए उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे और उनसे मुखातिब होंगे। बस हम तो इंतजार कर रहे हैं वो आए और हमको बोले कि हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए। वी आर ऑल देयर, जस्ट इमेजिन रोहित जी, 15,000 इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, 500 परफॉर्मर्स, 500 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 40 स्टेट्स, आई मीन इट्स अनहर्ड ऑफ। ये पूरा मिनी भारत देखोगे नासो कलोशियम में ऑन संडे सुबह को 10 बजे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर नसाओ कोलिजियम के अंदर और बाहर खास इंतजाम किए गए हैं। इस हॉल के बाहर भी एक बड़ा मंच बनाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे एक बाहर एक स्टेज बनाया जा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन्स जो है वो लग चुकी है, और ये एक स्टेज जो है ये बाहर इस तरफ रहेगा। यहाँ पे लोगों की जो है यहाँ से लोगों की एंट्री होगी, और ये है वो जो आप पीछे देख सकते हैं, दिस इज द कोलिजियम, नसाओ कोलिजियम, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने वाले हैं। ये पार्किंग है इस तरफ, उस तरफ वहाँ पे एक स्टेज होने वाला है, वहाँ पे लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, और इस तरफ आप देखें यहाँ पे भी काफी लोग जो है उनकी एंट्रेंस होगी। लॉट ऑफ और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पीएम मोदी अब भारत वंशियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा है, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। और ये देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में पीएम मोदी भारत वंशियों से मुलाकात कर रहे हैं, भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये देखिए जिस पल का इंतजार था इन तमाम लोगों को, उनके लिए वो क्षण आ गया, वो पल आ गया जब पीएम मोदी उनके सामने आ गए, और अब पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है। देखिए किस तरह से लोग आतुर हैं एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की, विश्व नेता की। तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी ऑटोग्राफ दे रहे हैं तस्वीरों पर, और ये देखिए लोग फोटो सेल्फीज लेना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, अपने नेता के साथ में। ये फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के आगमन के बाद ये उनका स्वागत, उनसे मिलने के लिए लोग वहां पर आतुर हैं, भारतवंशी लोग, कोई उनसे हाथ मिलाना चाह रहा है, कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहा है, उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है। ये तस्वीरें पीएम मोदी के साथ देखिए, बड़ी संख्या में भारत समुदाय के लोग जो है वहां पर मौजूद हैं, पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे पीएम मोदी का,
और उसके बाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीयों की तादाद आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जो है वो काफी समय पहले से ही पूरी कर ली गई थी। आज बाइडेन से भी मुलाकात है पीएम मोदी की, लेकिन उसके पहले सबसे पहले भारतीयों से मुलाकात की पीएम मोदी ने। देखिए भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, भारत मूल के लोग हैं, वो पहले से ही पहुंच गए थे फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां पीएम मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और चलिए विदेश मामलों के जानकार पथिकृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पथिकृत, चूंकि क्वाड समिट में कई बड़े मुद्दे उठने हैं, लेकिन भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात, उनके साथ संबोधन हमेशा से पीएम मोदी का बहुत खास रहा है। एक संदेश पीएम मोदी हमेशा देकर आते हैं, कभी भी अगर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो नासाउ में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या संदेश दे सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे एक्सपैट्रिएट है, जो एनआरआईज है, वो हमेशा से, एक तो पहली चीज है वो बाहर जाके अपने आप को सक्सेसफुल किया, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए गर्व के विषय है। और हमेशा से वो उन्होंने भारतवर्ष के लिए हर जगह पे पॉजिटिव बात किया है। और ये जो विजिट है और ये जिस तरह की इस तरह की मीटिंग होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए जितने जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, तो अगर एक पॉजिटिव मैसेज जाते हैं मोदी जी की तरफ से इनको, तो इनडायरेक्टली यहाँ से मैसेज हर एक कंपनी, बड़े बड़े कंपनी उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाते हैं अबाउट इंडिया अचीवमेंट। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं अमेरिका में, अमेरिकन लोग, जिनको इतना पता नहीं होता कि इंडिया में क्या होगा, वो उसी हिसाब से पता कर, उनका जो आइडिया होता है वो न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ के ही होता है वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जहाँ पे इंडिया ने बुनियादी ढांचे में इम्प्रूवमेंट किया है पिछले 10 साल में, जो जिसको IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी उसका सराहना किया है कि बहुत एक माइलस्टोन डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता है इन सारे चीजों में जिस तरह से इंडिया ने कोविड को झेला, जिस तरह से इंडिया में जो एक 50% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उनको कभी लोन नहीं मिलता था बैंक से, उनके पास टॉयलेट नहीं थे घर पे, उनको बुनियादी जो सुविधाएं दी जा रही है, और जिस तरह से इंडिया उभर के आया है आज, मतलब आज जो 5th largest इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और जहां ये सोचा जा रहा है कि अगले 2-3 साल में $5 trillion होंगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस और मुश्किलों के बावजूद एक देश के हिसाब से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सेक्युलरिज्म को बनाए रखा गया है बहुत सारे देशों में, वो नहीं है, तो ये एक मिसाल है पूरे दुनिया में, बिल्कुल मिसाल है ही। और इसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोग कितने आतुर हैं, कितने खुश हैं पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए। ये फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पथिकृत एक बात और समझेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात जो एयरपोर्ट पर हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन आज करीब रात के 10:30 पीएम मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से भी है, और चुनाव भी अमेरिका में आने वाले समय में, उसको लेकर क्या मायने, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव लेके कोई बात होगी। मुझे लगता है ज्यादातर ये एक कस्टमरी, एक मतलब ऐसी बात होंगी जो बहुत ज्यादा भारी भरकम ना हो, लेकिन अगर इसमें कुछ इश्यूज जो मुद्दे है भारतवर्ष की वो उठाए जाए तो उसमें मुझे ताज्जुब नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे टाइम अमेरिका बोलता है हमें डील्स दीजिए, हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कीजिए, लेकिन डिफेंस डील्स जब दिया जाता है तो उसकी टाइमली डिलीवरी नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर हम रशिया से कुछ लेते हैं तो उसके ऊपर प्रॉब्लम किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि पर्सनली बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कहीं कहीं ऐसा काम करता रहता है जो मतलब किसी भी देश के स्वार्थ के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने जैसे कहा पहले कि खालिस्तानी इशू में जो अमेरिका का स्टैंड है वो इंडिया के खिलाफ है। इंडिया हमेशा हर एक देश का जो सोवरेंटी है उसको रेस्पेक्ट करता है, तो अगर अमेरिका चाहता है कि इंडिया भी उसका दोस्त बने तो इस तरह की जो अलगाववाद संस्था है उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में जो चीज हुआ जिसके वजह से वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा बात होगी ताकि कैसे बांग्लादेश को बेहतर किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश अगर बेहतर देश होता है तो इंडिया की भी उसमें भलाई होगी, लेकिन वहां पे केओस होगा तो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल, मित्र देशों में शुमार भी है तमाम ये देश जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पथिकृत, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है, जिस तरह से पहली यात्रा में मुलाकात भी की थी पीएम मोदी ने जेलेंस्की से भी की थी, पुतिन से भी की थी, लेकिन हो सकता है कि इस यात्रा के दौरान भी बातचीत हो और इस पर भी कोई हल निकल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पथिकृत पहने जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और तमाम समीकरणों को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लेह लद्दाख में सेना के नाइट मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता है और इस कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालात के बीच कैसे सेना के हेलीकॉप्टर रात में ऑपरेशन पूरा करते हैं, जरा वो तस्वीर भी आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
रोशनी भरा दिन हो या अंधेरी रात, सरहद के निगहबान भारतीय सेना के जवान हर पल हर हालात में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार। ये तस्वीरें लद्दाख में भारतीय सेना के नाइट मिशन की है। पूर्वी लद्दाख और यहाँ के दूसरे इलाकों में चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को हर क्षण चौकस और सतर्क रहना पड़ता है। इसी सिलसिले में लद्दाख में तैनात किए गए सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और चीतल हेलीकॉप्टरों को अक्सर नाइट मिशन पर गश्त लगाने के लिए भेजा जाता है, ताकि सरहदी इलाकों में चीन की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर माकूल कार्रवाई की जा सके। हालांकि इन इलाकों में नाइट मिशन को अंजाम देना आसान नहीं है, लेकिन सेना के पायलट और जवान अपनी पुख्ता ट्रेनिंग और सूझबूझ की बदौलत बखूबी इस तरह के ऑपरेशन पूरा करते हैं। नाइट फ्लाइंग में जो दिक्कतें हैं वो जो जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट फ्लाइंग में दूरी दूर तक देखना मुश्किल होता है। नाइट फ्लाइंग में जो आपकी डेप्थ परसेप्शन होती है, जो गहराई मापने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो हम नाइट फ्लाइंग में अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। नाइट फ्लाइंग के लिए स्पेशल ब्रीफिंग्स होती हैं, जो कि हम फ्लाइंग से पहले आते हैं तो मिशन ब्रीफिंग होती है, फिर फ्लाइंग से रिलेटेड ब्रीफिंग होती है, खास करके मौसम की ब्रीफिंग होती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और नाइट फ्लाइंग डे फ्लाइंग से थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। खासतौर से लेह लद्दाख के इलाके में मौसम बेहद कठिनाई पैदा करता है। इन इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं और सर्दियों में तापमान भी काफी गिर जाता है। ऐसे प्रतिकूल हालातों में सेना के पायलट्स के लिए तो अपनी ड्यूटी करना मुश्किल है ही, साथ ही साथ हर ऐसे मिशन के लिए हेलीकॉप्टरों को तैयार करना भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि रात में उड़ान भरते समय इन हेलीकॉप्टर्स के साथ कोई हादसा पेश न आए। किसी भी हेलीकॉप्टर को, जैसे कि हमारे पास चीतल हेलीकॉप्टर है, इसको नाइट ऑपरेशन में लॉन्च करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। इस एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, हर एक चीज को बिल्कुल ही बारीकी से चेक किया जाता है। हर ट्रेड, जैसे कि एवियोनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपना अपना ट्रेड की चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को एक इंजीनियरिंग ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं फ्लाइंग करने के लिए। जब ये सारे चेक सक्सेसफुली हो जाते हैं, उसके बाद इसको एक पायलट एक्सेप्ट करते हैं एंड फिर इसको ऑपरेशंस के लिए ले जाया जाता है यहाँ से। भारतीय सेना की ओर से लद्दाख में ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो रात में आसानी से उड़ान भर सकते हैं और हर तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें दुश्मन की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए, गश्त लगाने और सामानों की ढुलाई के अलावा जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी शामिल है। खास तौर से ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है, जबकि चीतल हेलीकॉप्टर दूसरे मिशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। हालांकि रात में चलाए जाने वाले हर मिशन और ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टरों को फ्लाइट रेडी करना तकनीशियनों के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत क्रिटिकल मौसम है। यहाँ ऑक्सीजन की मेन प्रॉब्लम है, तो उसी से श्वास का मतलब इंटरनली प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। क्या दिक्कत होता है श्वास लेने में? ऑक्सीजन की कमी है तो ज्यादा आप काम नहीं कर सकते जोर लगा के थोड़ा। अक्सर शून्य से नीचे तापमान और कड़ाके की ठंड के बीच सेना के तकनीशियन और इंजीनियर देर रात में भी इन उड़न खटोलों की जांच पड़ताल करते नजर आ सकते हैं। ठंडियों में एक टेक्नीशियन जब जहाज पर जाता है, वो 10 मिनट जहाज पर काम करता है, फिर वो नीचे आके फिर से अपने हाथ सेकता है, फिर से जहाज पर जाता है। सबसे ज्यादा चुनौती विंटर्स में आती है, बट उसके बावजूद कोई भी ढिलाई बढ़ती नहीं जाती है। सारे जितने भी इंस्पेक्शन हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही जहाज ऑफर किया जाता है। रात के वक्त एक हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। उड़ान के लिए पायलट को सौंपने से पहले रोजाना गहराई से इनका इंस्पेक्शन किया जाता है, ताकि कहीं किसी तरह की चूक न हो, कोई भी कलपुर्जा ढीला न रह जाए। सेना के इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारी भी इस काम में जुटे रहते हैं, जो हेलीकॉप्टरों के हर सिस्टम की जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या इनके तमाम सेंसर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।
कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं, क्योंकि खास तौर से रात के वक्त होने वाली उड़ानों में मामूली गलती भी भारी पड़ सकती है। FFS जो हम नाइट में जहाज ऑफर करते हैं उससे पहले हम FFS करते हैं नाइट के लिए, प्री फ्लाइट टेस्ट बोलते हैं उसको। इसमें हमें 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगता है, तो उसका हम प्रिपेयर करते हैं पहले कि जब हमारा जहाज बाहर जाएगा उससे पहले पूरे इसके चेक्स होते हैं। हमारा ये शेड्यूल के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम शेड्यूल के हिसाब से करते हैं कि इसमें क्या क्या चेक्स हैं, जितने पूरे चेक्स करने के बाद उसके बाद हम ऑफर करते हैं जहाज। लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के जीवन, जोश और जज्बे का ही ये नतीजा है कि देश की सरहदें महफूज हैं। अपने टीम वर्क से ये तकनीशियन और जवान दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।